हेलो, आप देख रहे हैं बीजापुर इंफोटेनमेंट। मैं हूं आपके साथ जाफर कलगी। आजाद हिंद की तारीख में पहली मर्तबा हज यात्रियों की सब्सिडी केंद्र सरकार ने पूरी तरह से रद्द कर दी है। 2012 की सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 2012 से 2022 तक हर साल सब्सिडी की रकम को थोड़ा थोड़ा करते हुए कम करके 2022 में पूरी तरह से हज सब्सिडी को बंद किया जाए, मगर केंद्र सरकार ने 4 साल पहले ही इसको रद्द कर दिया है। आइए, बीजापुर के मुस्लिम रहनुमाओं की इस बारे में क्या राय है देखते हैं। आजादी से बाद की तारीख में पहली मर्तबा केंद्र सरकार ने हज यात्रियों की सब्सिडी रद्द कर दी है। इसी बात पर बात करने के लिए हमारे साथ द हिंदू के करेस्पॉन्डेंट फिरोज रोजिंदा रहे, आइए उनसे बात करते हैं। ये कुछ दिनों पहले मरकजी हुकूमत ने या केंद्र सरकार ने जो मुसलमानी हाजी को जो हज की सब्सिडी दी जाती थी इतने साल तक, ये इसको अभी बंद की है। इसे बहुत सारे उलमा इसको बहुत स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, क्योंकि दो वजह इसमें बताई जाती हैं। पहली वजह इसमें यह है कि इस्लाम हज सिर्फ उनके लिए कंपलसरी करता है जिनके पास पैसा है, जिनकी माली हालत अच्छी है। तो इसमें किसी की मदद लेके जाना या सरकार की मदद लेना इसमें कोई ज़रूरी नहीं था। और मेरे ख्याल से सिर्फ हिंदुस्तान एक ही था जहाँ हज की सब्सिडी दी जाती थी। बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ कोई सब्सिडी नहीं देती मुसलमानों को, हाजियों के लिए अलग से कोई सब्सिडी कोई हुकूमत नहीं देती। तो इसमें देना कोई खास नहीं था। तो अगर ये वापस लेते हैं तो इसमें कोई हमें हर्ज भी नहीं है, मुसलमान को हर्ज होना भी नहीं चाहिए। कुल मिला के करीब 450 करोड़ के आसपास हर साल ये सब्सिडी दे देते। तो इस साल करीब 1,75,000 हाजी फॉर्म भर चुके हैं। तो इसमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या हज की सब्सिडी के नाम पे जो हाजियों को दिया जाता था सही मायने को हाजियों को मिल रहा था या नहीं। तो इसमें एक इंफॉर्मेशन जो हमें जानकारी इसमें मिलती है कि इसमें हाजियों को से ज़्यादा जो इंडियन एयरलाइंस है उसको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था, क्योंकि कुछ रिपोर्ट ये कहते हैं कि हाजियों को जो सब्सिडी के नाम पर दिया जा रहा था उसमें 45,000 रुपये इंडियन एयरलाइंस को जाते थे उनके फ्लाइट टिकट के नाम पर, जबकि उसी दाम से उससे भी कम यानी करीब 35,000 के आसपास कई दूसरे फ्लाइट हैं जो आपको सऊदी अरब लेके जा रहे थे। इसका मतलब सीधा सा है कि ये एयरलाइंस को फ़ायदा हो रहा था जबकि हमारे हाजियों को उसमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो फिर बड़ी बात यह है, इसमें जब हज की सब्सिडी उन्होंने निकाल दी तो हमें उसमें कोई उसमें हर्ज नहीं है, लेकिन हम सरकार से अब ये मांग करते हैं और सारी उलमा से अब ये दरख्वास्त करते हैं कि वो भी सरकार से ये मांग करे के बजाय ये अच्छी सब्सिडी देने के बजाय एक ग्लोबल टेंडरिंग सिस्टम निकाले। ये ग्लोबल टेंडरिंग सिस्टम ये फ़ायदा करता है कि अगर जब 1,75,000 लोग हिंदुस्तान से जा रहे हैं हज के लिए, तो इसमें अगर ग्लोबल टेंडरिंग आ जाए तो बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां भी उसमें आ जाएंगी, जिसमें कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, और कॉम्पिटिशन बढ़ेगा तो सीधी से बात है दाम सस्ते होंगे और इसका सीधा सा फ़ायदा हाजियों को होगा, और दाम इतने कम होंगे कि आज जितना सब्सिडी के नाम पे हमें दिया जा रहा था उससे भी कहीं ज़्यादा कम हाजियों को उसमें चार्जेस लगेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जो सब्सिडी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से डिसीजन हुआ कि उसकी तारीख आखिरी और ख़तई हो गई है, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से इस सब्सिडी को बंद करना या जारी रखना कोई मायने नहीं रखता। इसे हम मोस्ट वेलकम भी कहेंगे और इसके खराफात भी बताएंगे। गवर्नमेंट एम्पावरमेंट के तहत अगर मुस्लिम कम्युनिटी को हजारों करोड़ रुपये दिए जाएं, जैसे कि दूसरे मजाहिब के लोगों को दिए गए हैं, इसमें तफरीक नहीं करनी चाहिए। इसलिए कि जब उन लोगों को गैर और मजहब के लोगों को जब दिए जा रहे हैं तो मुस्लिम कम्युनिटी को भी आप हजारों करोड़ दीजिए, 100-200 करोड़ देकर उनका दिल बहलाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही पैसा जो अलहाज को पता नहीं चलता कि ये पैसा एयरविंग से एयरविंग को जा रहा है, तो इन्हें क्या फायदा मिलेगा? इन्हें फायदा दिलाने के लिए या तो मुस्लिम कम्युनिटी को उनकी जिंदगी गुजारने के लिए, पॉवर्टी को दूर करने के लिए, इसे हम कैसे दूर करें ताकि गरीब बच्चियां
जो पढ़ने के काबिल हैं मगर पढ़ नहीं सकते ड्यू टू लैक ऑफ रुपीस, गवर्नमेंट वो पैसा अलॉट करे विडोज को और वो नौजवानों को जो जरूरतमंद हैं उनके लिए अगर ये पैसा खर्च किया जाएगा तो हमें ये कहना पड़ेगा कि ये गवर्नमेंट का सही अकदाम है। अब यहाँ क्या हो रहा है, गवर्नमेंट जो दिल में चाहती है वो अनाउंस कर देती है, ये वीटो पावर हो गया। ये जो है उलमाए दीन के साथ मुसलमानों की फलाह व बहबूदी के लिए इनको साथ रख कर अगर आप मशवरा करके करेंगे तो पूरा निज़ाम हिंदुस्तान का सेकुलर जो निज़ाम है वो बराबर कायम रहेगा, वरना इसके सब्सिडी लगने से या बंद होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जज़ाकअल्लाह खैर खैर राज़िक़ीन बतौल रहमतुल आलमीन। करीबन आज़ादी से लेकर अब तक किसी ने भी ये हज सब्सिडी के बारे में, अगर चाहे कोई भी सरकार क्यों ना हो, बिल्कुल इसके मुताबिक कोई छेड़छाड़ नहीं की थी, मगर आज बीजेपी सरकार ने हज सब्सिडी का कैंसिल जो किया है ये सरासर गलत है। क्योंकि करीबन हर साल कर्नाटक से लाख से ऊपर लोग यहाँ से हज के लिए चले जाते हैं, सारे दुनिया का ये मामला है, मगर बीजेपी वालों ने अकलियतों के साथ खासकर मुस्लिमों के साथ खिलवाड़ा कर रहे हैं और कहते हैं कि ये जो सब्सिडी का जो पैसा है तो गैर कौम में इस्तेमाल करेंगे, यानी कि तालीम के लिए। अरे भाई, तालीम का मसले ही कुछ और हैं, बहुत सारे मसले हैं, वो सेक्शन ही अलग रहता है। अरे हमको ना क्या लोग, इसलिए मैं इसको कंडम करता हूँ और आगे चलकर बीजेपी सरकार को इस तरह न करने की मैं सलाह भी देता हूँ। केंद्र सरकार का जो सब्सिडी खत्म करने का फैसला है वो हाजियों के हक में एक तरह से बेहतरी है, क्यों बोले, केंद्र सरकार का जो टैक्स आता है वो हर तरह के जायज़ नाजायज़ रास्तों से उसका टैक्स जमा होता है, जैसे कि एक्साइज डिपार्टमेंट है और दूसरे जो मुसलमान की शरीयत में जो पाक आमदनी पाक इनकम से जो हज को जाने का जो मकसद है वो सब्सिडी से थोड़ा मुतासर हो रहा था, तो सब्सिडी पूरी तरह ख़त्म करने से मुसलमान जो हज के लिए जाता है उसका एक जो मकसद है जो पाक आमदनी से जाना वो तकरीबन पूरा होगा, वो अपनी आमदनी भी साफ सुथरी रहेगी और गवर्नमेंट की किसी तरह की कोई मदद न लेते हुए जाने से उनका हज और मकरूह होगा और खुदा ताला के दरबार में उस हज को मकबूलियत हासिल होगी। हज सब्सिडी पिछले कई सालों से एक मुसलमानों को गवर्नमेंट के तरफ से एक एड की तरह दी जाती थी, कहीं ना कहीं हज सब्सिडी गरीब मुसलमानों को जो ज़रूरतमंद है उनको काम आती, इसके बावजूद पिछले गुलिस्ता साल सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर में इसको रिजेक्ट किया था, इसको गवर्नमेंट को अपनी तरफ से एक सलाह दी थी कि आप सब्सिडी को छोड़ देना चाहिए। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए बीजेपी सरकार ने, संघ परिवार के लोगों ने मिलकर इसको कल इसको ख़त्म किया। कहीं ना कहीं मुसलमान एक इसको वेलकम तो करते हैं, लेकिन ये बात का बहुत बड़ा इसमें इस बात को कहने की बहुत ज़रूरत है कि जब भी मुसलमानों के खिलाफ कोई जो हेल्प होता है, जो स्कीम्स होते हैं, उसे निकालने में बीजेपी या आरएसएस एकदम सामने आती है। ऐसे कई सुप्रीम कोर्ट्स के ऑर्डर हैं, कई हाई कोर्ट्स के ऑर्डर्स हैं जिनको इम्प्लीमेंट करने में बीजेपी या आरएसएस नाकाम हो चुकी है। श्री कृष्णा कमीशन जो बॉम्बे में रायट्स हुए थे, बॉम्बे में मुसलमानों के खिलाफ इतने ज़्यादा ये हुआ था, खून खराब हुआ था, वो रिपोर्ट आज तक ठंडे बक्से में है। इसी तरह से सचर कमेटी, जो राजेंद्र सचर कमेटी की एक रिपोर्ट थी, वो भी तो जज थे हाईकोर्ट के, उनकी रिपोर्ट आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई। लेकिन इससे ज़रूर मुसलमानों को एक फाइनेंशियल सेटबैक होगा, लेकिन उनकी हिम्मत में कमी नहीं आएगी।
हज एक लाख 75,000 लोग जा रहे हैं, इंशाल्लाह अगले साल 2 लाख जाएंगे सब्सिडी के बगैर भी। ये मुसलमानों का एक जज्बा होता है, तो कहीं ना कहीं आरएसएस और बीजेपी का इसमें बहुत बड़ा एक साजिश है, इसको मैं कंडेम करता हूँ। लेकिन क्योंकि हमारे उलमा भाई इसे वेलकम किए हैं, कांग्रेस पार्टी ने वेलकम किए हैं, मैं भी इसे एक आने वाले दिनों में प्रोग्रेसिव स्टेप मानता हूँ। शुक्रिया सर। ये उन्होंने जो आप कैंसिल कर रहे हैं वो तो उन्होंने मुस्लिम बच्चियों की पढ़ाई के लिए यूज़ करते हैं उनको बोल रहे हैं। ज़रूरी नहीं है मुस्लिम बच्चों के लिए, मुसलमानों की आबादी 20% 22% है, ज़रूरी नहीं है कि सब्सिडी किए पैसे मुसलमानों को इस्तेमाल करें। आज हमारा 4 से 5 लाख करोड़ का हमारा बजट है हिंदुस्तान का, क्या उसमें सिर्फ सब्सिडी के पैसों से यूज़ करोगे? हज की सब्सिडी रद्द है ये ठीक है, मगर जो ये पैसा जो एयरलाइंस वालों को दे रहे थे और कई दूसरों को दे रहे थे, इसलिए ये जो पैसा है 600 करोड़ रुपीज़, ये हमारे मुसलमानों के लड़कियों के स्कूल के खर्चे में खर्च हो, ये हमारे इसी राय है। जो सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट से जो सब्सिडी हज कमेटी का जो बंद कर रहे हैं वो कैंसिल करने के वास्ते उन्होंने दूसरे अदारे को हमारे मुसलमान एजुकेशन को वो दे दूंगा बोल रहे, फिर वैसा देने का उनका गारंटी रहा? पहले भी ऐसे बहुत कुछ बोले हैं, कुछ को भी कौन से भी अदारे नहीं दिए उन्होंने, और उनके जो अदारे दूसरे मंदिर मस्जिद संघ इसे जिसे भी उन्होंने जो देते हैं वो उनका भी बंद करना सब्सिडी, खाली मुसलमानों के वास्ते उतना ही मुसलमानों के सब्सिडी स्कॉलरशिप बंद करें, स्कॉलरशिप नहीं दे रहे करेक्ट अभी, ऐसा मुसलमानों के वास्ते पर्पजली जो भी हैं बंद करा को वो वहाँ देते हैं यहाँ देते हैं करके ऐसा उनका झूठ बोलना है। तो आपने देखा बीजापुर के मुस्लिम रहनुमाओं की हज सब्सिडी रद्द होने पर मिली जुली राय देखने को मिल रही है। असल में देखा जाए तो हज यात्रियों को अब तक मिलने वाली सब्सिडी सिर्फ और सिर्फ एयर टिकट पर थी। केंद्र सरकार का यह कहना है जो भी पैसा हज सब्सिडी से अभी आगे बचेगा उन पैसों को मुस्लिम एम्पावरमेंट के लिए यूज किया जाएगा। आगे देखना यह है कि केंद्र सरकार जो अपना वादा कर रही है वो निभाती है या नहीं। धन्यवाद।